जहर पीते पीते बन जाएंगे, जहर पीते पीते ये अश्क जो पीते जा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। बहुत ही खूबसूरत गाना, मतलब मुझे बहुत पसंद है ये गाना। और किसको ये पसंद नहीं है, अरे बहुत बढ़िया गाना है। और ये गाने से शुरुआत करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि आज के रेमेडी कुछ इस तरह से, आज के रेमेडी है इग्नेशिया। और इस लेक्चर के थ्रू हम लोग एक सीरीज चालू कर रहे हैं तीन दवाओं की, जो कि आपस में बहुत कही जाती है ऐसा कि कॉम्प्लीमेंट्री ऑर्थोडॉक्स सिस्टम में, कि इग्नेशिया, नेट्रोम्योर और सीपिया आपस में कॉम्प्लीमेंट्री। इग्नेशिया की क्रोनिक नेट्रोम्योर है, फिर उसके बाद में सीपिया कॉम्प्लीमेंट करती है उसको। तो ये जो भ्रांति है, भ्रांति इसलिए क्योंकि ये जो तीनों वीडियोस आप देखेंगे, हम लोग जो अभी बात करेंगे इसके बारे में, तो उसमें ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी कि तीनों में कितनी जमीन आसमान का फर्क है। तीनों 180 डिग्री बहुत अलग है। एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले समझना जरूरी है इग्निशिया, ठीक है। अभी इग्निशिया की अब तक हमारे दिमाग में छवि ये थी, मतलब हमने जो अब तक पढ़ा था, अभी तक आप लोग भी ऐसे ही समझते हैं। इग्निशिया बोले तो अपने दिमाग में एक पहली आती है साइन, ऐसे करके साइन जो सास ये होती है, साइन हो तो इग्निशिया अपने दिमाग में आती थी। दूसरा था कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम्स, मतलब कुछ लिक्विड्स कम पेनफुल है, सॉलिड ज्यादा पेनफुल है, उसमें सॉलिड कम पेनफुल, लिक्विड पेनफुल इस तरीके से, सॉलिड ज्यादा पेनफुल होना चाहिए। के पेन है तो उसमें वॉकिंग से आराम मिल रहा है, तो इस तरीके के बड़े कॉन्ट्राडिक्टरी चीज है। पेट में अगर खाली पन है तो खाने से आराम नहीं मिल रहा है, इस तरीके की चीजें। और थोड़ा सा फीलिंग, थोड़ा सा जो क्या कहते हैं अपना हिस्टेरिकल सिम्टम्स, यस हिस्टेरिकल सिम्टम्स से ही इग्निशिया अपने को मालूम थी, उससे ज्यादा इग्निशिया कुछ मालूम नहीं। और ज्यादा से ज्यादा सौरव की वजह से, किसी की डेथ हो गई ग्रिफ की वजह से, ग्रिफ के लिए इग्निशिया दी जाती है अक्सर, करेक्ट। लेकिन इग्निशिया सिर्फ इतनी कम चीजों के लिए इंडिकेटेड नहीं है। इग्निशिया बहुत ही इंटरेस्टिंग रेमेडी है, बहुत ही कॉमन रेमेडी है, खास करके अपनी भारतीय इंडियन सोसाइटी में, भारतीय समाज में। वो क्यों, ये हम देखेंगे एक एक उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, करेक्ट। तो सबसे पहले एक रूब्रिक जो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप सुने समझे और ठीक से अप्लाई करें, कि आप अपनी क्लिनिक में उसको, मतलब इग्निशिया जब हम HHF में आए और HHF से जब इग्निशिया पढ़ी और सीखी, तब से इग्निशिया इतनी आसान हो गई देना, इतनी मतलब इजीली दे पाते हैं, ये हम आपसे शेयर कर रहे हैं, आप भी सब यूज कर पाएंगे। तो ये चालू करने के पहले सबसे पहले हम लोग नमन करते हैं, रेस्पेक्ट देते हैं अपने मास्टर्स को, मास्टर डॉक्टर मिलिंद राव सर, डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता सर, डॉक्टर मोहंती सर, जिनकी कृपा से जिन्होंने हमको इग्निशिया इतने अच्छे से सिखाया कि हम लोग अपनी डेली प्रैक्टिस में उसको यूज कर सकते हैं। सबसे पहले रूब्रिक आता है इरिटेबिलिटी पेन ड्यूरिंग। इरिटेबिलिटी मतलब चिड़चिड़ापन, चिड़चिड़ापन कब, दर्द के दौरान दर्द, पेन ड्यूरिंग। अभी ये आप सोचने लग जाएं कि पेन बोले तो कहीं पर कुछ दर्द हो रहा है, लेकिन इग्निशिया का दर्द क्या है ना, मैं पेन की बात नहीं कर रहा हूं, पेन थोड़ा सा अंग्रेजी शब्द है, तो उसको मायने कुछ पेन क्या आ जाते हैं, दर्द क्या आ जाते हैं। और जो भी हम चीजें समझने की कोशिश करते हैं उसका मेटाफोरिक एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करते हैं, तो दर्द सिर्फ ये दर्द ही नहीं है जो पिछली बार ऐसे हम लोगों ने देखा था, दर्द टच के बारे में देखा था, टच के बारे में कुछ चीजें आपके दिल को जो छू जाती है, वैसे ही हम पेशेंट को ये पूछते हैं कि आपका आपकी जिंदगी में दर्द क्या है। होते ना लोग दर्दी होते हैं, और सही मायने में अगर देखा जाए तो जो आपका जो मानसिक जो दर्द होता है, जो इमोशनल जो पेन होता है, वो ज्यादा बॉलीवुड के मूवीज गाने में आपको दर्द
वर्ड मिलेगा जिसका कंटेक्स्ट यही होता है, वो दर्द फिजिकल दर्द नहीं होता है, वो मानसिक दर्द होता और है। मयूर सर की बुक है, डॉक्टर मयूरेश महाजन की बुक है पेन करके, उसमें मतलब उन्होंने कई सारी रेमेडीज की, अलग अलग पेन क्या होती है वो समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको मौका मिलता है तो वो बुक जरूर मंगाइए, लो लीजिए, आपको हर एक रेमेडी का दर्द समझ में आएगा, उसकी तकलीफ समझ में आएगी, किस तकलीफ की वजह से वो रेमेडी डिसकंफर्ट में जाती है, किस तकलीफ की वजह से वो रेमेडी बीमार पड़ती है और आपके क्लिनिक में आती है। अभी इरिटेबिलिटी पेन ड्यूरिंग, ये आपके क्लिनिक में जरूर मिलेगा आपको। जैसे सामने पेशेंट आती है और जैसे अपन ने आर्सेनिक समझी थी इरिटेबिलिटी पेन ड्यूरिंग में, कि आर्सेनिक खींचा हुआ चिढ़ा हुआ दर्द के दौरान वो क्लिनिक में आता है और तभी वो वैसे दिखता है, बस आर्सेनिक यह है कि उसे हाइड करता है, वैसे ही इग्निशिया भी वैसे ही दर्द के दौरान, बुखार के दौरान, सरदर्द के दौरान, कान में दर्द है, पेट में दर्द है, या तो और भी कोई खुजली है क्या है, उसके दौरान बड़ी चिड़चिड़ी सी होती है। लेकिन आर्सेनिक का दर्द के पीछे चिड़चिड़ाहट का कारण कोई और है और इग्निशिया का, उसके पीछे का चिड़चिड़ाहट का कारण कुछ और है। आर्सेनिक अगर आप ठीक से समझे तो आर्सेनिक को मॉरल फीलिंग वांट ऑफ है विद अ डिस्पोजिशन टू बिकम क्रिमिनल, विदाउट रिमोर्स, क्रिमिनल विदाउट रिमोर्स, जिसको उस चिड़चिड़ाहट का या तो उसके टम्बलर को किए हुई बाइटिंग का कोई अफसोस नहीं है, कोई ये नहीं है कि भैया मैंने मेरी बीवी को इतनी तकलीफ दी। इसके लिए आप आर्सेनिक का वीडियो देख सकते हैं। आज हम लोग इग्नेशिया के बारे में बात करेंगे, इग्नेशिया का दर्द क्या है और जब वो चिड़चिड़ाहट उसके अंदर होती है वो किस तरीके से क्लिनिक में मैनिफेस्ट करती है, किस तरीके से व्यक्त करती है क्लिनिक में और घर पर किस तरीके से व्यक्त करती है। इग्नेशिया को समझने के लिए अगर आप लकी होंगे तो सबसे अच्छा चीज ये होता है कि अगर उसका हस्बैंड साथ में आता है तो, अभी समझिए कि ये उसका हस्बैंड है और ये इग्नेशिया का लेडी बैठी हुई है। तो अभी तीन तीन महीने से सर में दर्द है, बता दी नहीं है सर में दर्द है, बताओ सब डॉक्टर को सब बताओ। कुछ नहीं, सर में दर्द। आप अगर आप और सवाल पूछने जाओ कि क्या हो रहा है, कब से दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है, तीन महीने से हो रहा है, तो और कुछ तकलीफ नहीं, और कुछ तकलीफ नहीं, और कुछ उसके साथ नहीं, सिर्फ दर्द। तो अभी जैसे हम हर एक दवा की एक एनर्जी की बात करते हैं अक्सर कि क्या एनर्जी लेकर के आता है, तो इग्नेशिया का पेशेंट जब आपके सामने आता है, जो इग्नेशिया की लेडी मोस्टली कहेंगे, मेल भी होते हैं, ऐसा नहीं कि मेल नहीं होते, तो आपको उसको देख करके एक ऐसा एहसास होगा, ऐसा फीलिंग आएगा यार ये कितनी सभ्य, कितनी अच्छी, कितनी सुशील औरत है, ठीक है ना। तो आप उसके साथ लगेसी जैसे जोक नहीं करेंगे, हाँ। या वो जोक नहीं करेगी, तो ये चीज समझना, ये फीलिंग के साथ में जैसे आप बढ़ेंगे तो आपको तुरंत समझ में आएगा यार यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, ये डोमिनेशन इसका दिख रहा है। तो समझो डॉक्टर ने और पूछा, हस्बैंड को और पेशेंट को पूछा, क्या चिंता क्या है आपको, तीन महीने से इतना सरदर्द क्यों हो रहा है आपको? अगर तीन महीने से सरदर्द है तो आपका सरदर्द कौन है, ऐसे अगर पूछे तो एक नजरों का एक कटाक्ष, एक कटाक्ष ऐसे डाले के, मतलब हस्बैंड की तरफ डाल के, फिर आंखें नीचे हो जाती है, बोलती है कोई सरदर्द नहीं है। या फिर अगर डॉक्टर ने पूछा कि आपको तीन महीने से तकलीफ थी तो आज क्यों आया, इतने टाइम के बाद क्यों आया आप डॉक्टर के पास, तो फिर जैसे ही अगर ये पूछे कि भैया तीन महीने से आपने पहले क्यों नहीं बताया, आप पहले दवाई लेने क्यों नहीं आए, तो हस्बैंड भी समझ जाएगा यार उसकी गलती, तब उसका उसके हाव भाव ऐसे होते कि आप बताइए इस सवाल का जवाब आप दीजिए क्यों नहीं आए, ये बिना बोले, ये बिना बोले, ये सारे जो जो एक्टिंग चल रही है सब बिना बोले है। और आपको सेंसिटिव डॉक्टर बनना पड़ेगा क्योंकि वो सेंसिटिव लेडी आपके सामने बैठी हुई है, वो सारे शब्दों में अपने सारी भड़ास या शब्द जो अंदर के हैं आसानी से व्यक्त नहीं करेगी, उसके चेहरे से वो सारी चीजें उसने मन में चल रही है, उसके
उसमें अंदर उसको ये चल रहा है कि बोलो अब बोलो, 3 महीने से मैं तो रोज सर पे पट्टी बांध के बैठती हूँ, तुम आते हो बस पेन किलर खाने के लिए देते हो, डॉक्टर के पास तो लेके जाते नहीं हो, और आपकी मतलब ये सब मन में चल रहा है। और नीचे वो हाथ पे ना, तो आप उसके चेहरे पे देखोगे ना तो उसके मन में ये सारी चीजें चल रही है, आपको दिखेगी। ये आपको पकड़ना, ये ताड़ना, ये भापना, ये आपका काम है। ये आप मतलब अब हम ये समझ सकते हैं कि उसके अंदर क्या चल रहा है। ये बस आपने देख के जान लेना है कि वो गुस्सा है, वो चिड़चिड़ाहट, आपको वो देख के पता चलना चाहिए कि भैया ये कब से आने के लिए कह रही है, और ये बाजीराव जो बाजू में बैठा है लाइकोपोडियम, वो लाता नहीं है, इसको क्लिनिक में लाता नहीं है। और इसका ये कहना है कि अगर तुम लाते नहीं हो, मुझे डॉक्टर के पास ले नहीं जाते, तो मुझे लेना भी नहीं है दवा, मुझे जाना भी नहीं, मुझे लेना भी नहीं दवा। ये इरिटेबिलिटी इग्निशिया की, इग्निशिया की इरिटेबिलिटी होती क्यों, क्यों होती है? उसके पीछे कारण ये है, सेंसिटिव टू मॉरल इंप्रेशंस, ऐसा रूब्रिक है, अंडरलाइन करो, इसको अंडरलाइन करो, इसको ठीक से समझ लो। संवेदनशील होती है, किस बात के प्रति संवेदनशील होती है? मॉरल इंप्रेशंस टू मॉरल, मतलब अभी moral. जो डॉक्टर ने पूछा कि 3 महीने से आप दवा लेने क्यों नहीं आए, या फिर आपको क्या टेंशन हो रही है, आपको सरदर्द क्यों हो रहा है, क्या टेंशन है आपको, तो वो टेंशन बताती नहीं है, वो मॉरल्स की वजह से। और सर्चिंग ऑन फ्लोर जो आगे रूब्रिक देखेंगे हम, वो उसने सिर्फ क्या किया, अच्छा वो उसके मन में आ गया टेंशन, मतलब यही है बंदा जो टेंशन दे रहा है, जो गलत बिहेव कर रहा है, जिसने जिस तरीके से करना चाहिए एक्सपेक्टेड वैसे कर नहीं रहा है, लेकिन मॉरल की वजह से एक माहौल शांत बन जाएगा क्लिनिक में, और वो सिर्फ वैसे गुस्से में देखेगी। मॉरल मतलब नैतिकता, ऐसी चीज है जो समाज में मान्य है, या समाज में अच्छा या बुरा का जो संदेश देती है, भाई ये अच्छी चीज है, ये बुरी चीज है। हस्बैंड को ऊंची आवाज में नहीं बोलना चाहिए, सास को ऊंची आवाज में नहीं बोलना चाहिए, अपने पापा से अच्छी तरीके से बात करनी चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए। तो और कई बार क्लिनिक में चीज देखने को मिलती है कि जैसे एक मेरे पास में पेशेंट थी, बच्ची और उसकी मदर दोनों इग्नेशिया, अरे वाह, ठीक है ना, तो मदर उसकी इसको ऐसे बोल रही है, उसका जो दुपट्टा था बेटी का, नहीं जो जो मदर का था जो दुपट्टा था थोड़ा सा नीचे आ रहा था, तो जो जो बच्ची बैठी थी वो धीरे से ऐसे ऐसे कर रही थी, ऐसे कितनी अलर्ट है वो, ध्यान ऐसे ऐसे करके ऐसे कर रही थी ऊपर, तो मदर भी थोड़ा सा ऐसे करके फिर बातचीत करने लगी। तो ये सारी चीजें सिर्फ बोलने की ही नहीं है, समझने वाली भी चीज है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, मतलब 11-12 साल की बच्ची, और उसको इन सारी चीजों का एहसास है कि किस तरीके से कपड़ा पहनना चाहिए, किस तरीके से बातचीत करनी चाहिए, हम कहां पे बैठे हुए हैं। मतलब ये संवेदनशीलता उसमें होती है, क्योंकि इग्निशिया की लेडी एक जब आएगी आपको समझ में आएगा ये सुशील है, बहुत सुशील है। इग्निशिया की लेडी या लड़का पेशेंट कोई भी है, इस तरीके से क्लिनिक में नहीं बैठेगा, जो लाके से बैठ सकता है सर ऐसे हुआ ऐसे, हंसी मजाक कर सकता है, एक वो मजेदार माहौल हो सकता है। लेकिन इग्निशिया में क्या होता है ना, उसको लगता है कि एक क्लिनिक में एक डेकोरम मेंटेन करना है, एक जो बिहेवियर होता है ना वो प्रॉपर होना चाहिए, किसी की हमें इज्जत भी करनी होती है, तो ऐसा अड़म तड़म ये जो है ना यहाँ वहां का बिहेवियर नहीं होगा उसमें। नैतिक जिम्मेदारी जो आपकी हर जगह पर, हर इग्निशिया अपनी जिंदगी में जहां जहां जाए वहां पर उसकी नैतिक जिम्मेदारी ठीक से और परफेक्टली निभाती है ये पक्का है, और उसमें वो कभी गलती नहीं करती, सही उस मामले में वो बहुत संवेदनशील है। सही और गलत का एहसास उसके सबकॉन्शियस में इतना भरा हुआ है, इतना भरा हुआ है कूट कूट कर हर एक जगह पे, इसीलिए एक रूब्रिक उसका फाटक साहब ने अपनी मैटेरिया में स्टार्ट किया, उससे अलर्ट कर, अलर्ट होता है, अलर्ट को लेकर वो बहुत अलर्ट होती है। अलर्ट का मतलब हिंदी में क्या होता है, आप उसके लिए सतर्क रहते हैं। सतर्क आप कब रहोगे, जैसे अगर आप बॉर्डर पे आपकी पोस्टिंग है तो आप सतर्क हो, कभी भी उधर से हमला हो सकता है। तो यहाँ पर इस लेडी के कॉन्टेक्स्ट में, इग्नेशिया के कॉन्टेक्स्ट में, कि मैं सतर्क रहूं घर पर, मैं सतर्क रहूं समाज में, मैं सतर्क रहूं डॉक्टर के सामने, कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि मैं कुछ गलत कर बैठूं जो कि नैतिकता के खिलाफ। सही गलत की जो बात होती है ना, इनजस्टिस कैनॉट सपोर्ट, कि सही गलत नहीं होना चाहिए। थोड़ा एग्जाम्पल देना जरूरी है। जैसे देखो अभी मैं बताता हूँ, अभी घर में कोई फंक्शन है, बराबर घर में फंक्शन है, भैया मतलब हस्बैंड के कोई रिश्तेदार है, उनके घर पे शादी है। अभी इग्निशिया वहां पर जाए तो वहां पर वो जाके सोफे में बैठ के शादी में ऐसे बैठेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप
वहां पर जाके पहले काम में लग जाओ, आपका काम करना ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है क्योंकि ये घर का फंक्शन है, तो ये पहले काम में लग जाएगी, पहले सब काम करना, कहां पर क्या खाना पीना, फूल सजाना, लोगों को बुलाना, लोगों को खाना खिलाना, ये सब में इग्निशा पूरी, क्योंकि उसकी नैतिक जिम्मेदारी वो करने में कभी गलत नहीं होती। इसी चीजों को लेके वो अलर्ट होती है, जैसे मेहमान कोई आए तो ऐसे हो ही नहीं सकता कि इग्निशा ने उसको आके पानी नहीं दिया बिना पूछे, और उसकी ये अपेक्षा होती है कि अगर वो कहीं किसी काम में बिजी है तो उसकी बेटी या उसकी सिस्टर या उसकी सास या उसकी कोई देवरानी हो, जो वो लोगों ने ये जो जिम्मेदारी है वो निभानी चाहिए। मतलब पानी अगर मैं नहीं दे रही तो उसका ध्यान होगा, वो अलर्ट होगी। जैसे इस केस में जैसे योगेश ने बताया कि 3 महीने से क्यों सरदर्द हो रहा है, आप आए क्यों नहीं, तो ये तो ऐसे देखेंगे हस्बैंड को, मतलब बताओ बताओ तुम्हारा करा धरा है बताओ आप, सिर्फ उसकी नजरों में जिम्मेदारी है, इसकी नैतिक जिम्मेदारी नजरों में वो होगा। और फिर इग्निशा सेक्रेटिव में है, रिजर्व्ड में है, हाइडिंग में, हाइडिंग हिमसेल्फ में, लेकिन आर्सेनिक जैसा नहीं, आर्सेनिक तो मॉरल बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे मॉरल कुट कुट के भरा है। तो ये फिर है ना, सेंसिटिव टू मॉरल इंप्रेशन और फ्लोर, लुकिंग एट फ्लोर, सर्चिंग ऑन फ्लोर, तो ये ऐसे करते रहेगी, लेकिन कान उसकी नजर को आप देखेंगे ना, तो ये हस्बैंड जो बोल रहा है ना अलर्ट है, बोलो बोलो सुन रही हूँ, बोलो बोलो, मतलब ये मन में चल रहा है, तो हस्बैंड है ना, हस्बैंड को भी पता है कि ये अलर्ट है, तो हस्बैंड लेकिन गलती कर चुका है, वो लेट आता है, वो किसी और को उसने पैसे दे दिया है, सिर्फ कुछ गलती की है उसकी वजह से उसका सर दर्द हो रहा है, तो हस्बैंड भी है ना बोलते वक्त ना, हाँ सर वो क्या हुआ ना 4 महीने पहले सर वो मेरा भाई आया था ना, तो बीच बीच में देख रहा है, मतलब ये गुस्सा तो नहीं हो रही मेरे बातों से, ये डर जो है ना वो हस्बैंड में होता है, ये पेन है, ये पेन है, और इस पेन की वजह से चिड़चिड़ाहट है कि मुझे एक साड़ी चाहिए थी, मैंने मांगी थी, आपने कहा था पैसा नहीं, और वही कोई बाहर वाला आ गया उसके लिए तुरंत आपके पास पैसे, ननद को अपनी मम्मी को तो आप हमेशा दे देते हो, कभी यहाँ पर भी ध्यान दिया करो, कभी शब्दों में नहीं, कभी सोचा है बीवी को क्या चाहिए, कभी सोचा कभी बीवी को क्या चाहिए ऐसा बोलेगी नहीं, कभी सोचा है बच्चों की क्या जरूरत है, कभी सोचा है बच्चे बीवी, तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है हस्बैंड की नहीं, तो जो सही और गलत का जो द्वंद है ये दिमाग में चलता रहता है, खुद भी नहीं करेगी गलत, और दूसरे जब गलत करेंगे तो उसके लिए वो सेंसिटिव रहेगी, उससे उसको दिक्कत होगी, तो जब दूसरे लोग गलत करना चालू करते हैं तो उसकी स्थिति कैसी होती है, गलत के खिलाफ तो रिएक्शन बहुत ज्यादा है इग्निशा में, लेकिन अभी उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि कुछ कहा भी ना जाए और कुछ कहे रहा भी ना जाए, तो बॉडी में, जेस्चर्स में, सारी चीजों में दिखेगा। अभी यहां पर नैतिकता थी ना कि जब ये इग्निशा बैठी हुई है उसने पति को गलत बोला नहीं, लेकिन बिना बोले सब कुछ बोल दिया, अगर आप एक सेंसिटिव प्रिस्क्राइबर हैं तो। अगर इसी जगह पर बेलोडोना होगी, बेलोडोना होगी तो तुरंत आपके सामने, अरे ये डॉक्टर साहब आते नहीं है, जाके वहां पर काम पे चिपक जाते तो चिपक जाते, घर बीवी बच्चे सब भूल ही जाते हैं, देखो इनको इनको समझाओ कभी आप, ये डॉक्टर सामने बोल देगी बेलोडोना, बेलोडोना बोल देगी। और जो आलोक ने बताया ना कि लड़की पल्लू ठीक करे, मतलब बेलोडोना इग्निशा की पेशेंट, कभी भी ऐसे नहीं होगा कि उसका पल्लू नीचे है, यहाँ वहां है कोई चीज है, मतलब जैसे बेलाडोना में हमने बताया, बेलाडोना नेकेड वॉन्ट्स टू मैन, उसको बेलाडोना को ध्यान नहीं होता अपने ऊपर कि मैं कैसे बैठी हूँ, किस तरीके से मैंने साड़ी को रखा है या ड्रेस को रखा है, ओढ़नी को रखा है, बेलाडोना की ओढ़नी नीचे आएगी उसे ध्यान नहीं रहेगा, लेकिन इग्निशा कभी ऐसे नहीं होगा, अगर ओढ़नी थोड़ी भी है ना, दुपट्टा नीचे आ रहा है, उसको ठीक से कर देगी। अरे आप दोष डालने के लिए मुंह में ऐसे करोगे ना तो भी ऐसे कर, हाँ ये होगा, तो छोटे छोटे एक्सप्रेशन होते हैं, इतना अजर आती है, पहले आ जाता है। नैतिकता का एक और एग्जांपल, आप एज अ डॉक्टर, इफ यू आर नॉट अ लेडी एंड आपके सामने अगर एक इग्निशा औरत बैठी हुई है, तो अक्सर कई सारे केसेस में आपसे वो नजरें नहीं मिलाती, नीचे की तरफ देखेगी। तो अभी जैसे मेरे सामने एक पेशेंट थी, तो जब उसने बोलना चालू किया मुझे ये है वो है वो है, तो मैंने कहा कि अच्छा घर पे सब कुछ ठीक चल रहा है, तो 2 सेकंड का पॉज दिया, हाँ सर सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ अच्छा है, नीचे चल रहा है, और ये हाथ हाथ ये नीचे चल रहा है, कुछ ना कुछ चल रहा है, आप नीचे हाथ नहीं दिख रहे, दुपट्टे के साथ मतलब ना, ये देख लो इसके दुपट्टे के साथ ऐसे देख ले, हाँ सर, ये जो शुरुआत में गाना था ना, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहा है, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, और वो गम छुपा के थोड़ा सा हंस देगी, वो थोड़ा सा हंस देगी, और यहाँ पे ना नाखून के साथ, घड़ी के साथ, दुपट्टे के साथ ना ऐसे चालू रहे, मन में वही चल रहा है, और ये लाफिंग ग्रीफ ओवर है। हाँ, तो उसके बाद उसको तुरंत समझ में आ गया, क्योंकि वो अलर्ट है, उसको सारी चीजें समझ में आती है क्या चल रहा है, उसको समझ में आ गया कि मैं क्या पूछना चाहता हूँ। तो मैंने पूछा घर पर कौन कौन है, सास है, फादर इन लॉ है, ये है वो, अच्छा तो सास के साथ आपका कुछ गड़बड़ चल रहा है क्या, फिर से 2-3 सेकंड्स का पॉज है, आंखों में पानी,
फिर से अंदर नहीं लिखा। सर ऐसा है ना कि कुछ घरों में ऐसी चीजें होती है ना जो बाहर हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते, ठीक है, उसके बाद में पॉज, उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन आपको जो करो करना है, लेकिन उस जगह पे वो शांत कर। आपकी भी हिम्मत नहीं होगी वहां पर घुसने की। इस तो इतनी गंभीरता से उसने मुझे बोला कि मैं उस जगह पे शांत हो गया कुछ और। फिर अच्छा, फिर मैंने तुरंत टॉपिक को बदला। अच्छा हाँ, वो कमर में जो दर्द आपको हो रहा था कैसे होता है, जब आप सुबह उठती तब होता है कि कब होता है? तो आपको बदलना पड़ा, क्योंकि वो उसने इस गंभीरता से मुझे बोला कि मैं एक स्टेप बैक हो गया। ऐसा है, ये सब जो गलत, मॉरली गलत, उसका हस्बैंड नैतिकता नहीं निभा रहा, उसकी सास नहीं निभा रही, उसकी ननद ठीक से नहीं नैतिकता निभा रही, ये सब की ये सब इनजस्टिस है उसके हिसाब से, गलत चीजें हैं। और ये सब सिर्फ गलत नहीं, ये अन्याय है, अन्याय। ये सब उसे पता चलता है, वो उसे सपोर्ट नहीं करती, इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट, लेकिन उसकी नैतिकता उसे रोकती है, उसे शांत रखती है, क्योंकि आवाज उठाना, अपनी सास को बताना तो आपका गलत है, आपकी ननद के साथ जाके झगड़ा करना, अपने पति का और अपनी सास का झगड़ा करा देना, ये नैतिकता के खिलाफ है। मैं वो गलत नहीं कर सकती, इसीलिए ये सब चीजें सहे जाती, सहन करती है, सहन करती। और इसका रूब्रिक है माइल्डनेस, मतलब इग्निशिया माइल्ड रहती है, इसकी वजह से अंदर तो वो क्या बोलता है, वो ज्वालामुखी होता है, लेकिन मतलब मोदी सर ने अपने बताया था ना कि वो क्या होता है, निखारा। हाँ, जो ऊपर से राख है लेकिन अंदर जल रहा है, अंदर जल रहा है। हाँ, जैसे छुओगे या फूंक मारोगे तो जल पड़ेगा, जल जाओगे, ये अंदर होता है। और इसकी वजह से ये रूब्रिक है माइल्डनेस, माइल्डनेस बियर सफरिंग इवन आउटरेज, मतलब सफरिंग भी बेयर करती है, आउटरेज भी बेयर करती है, विदाउट कंप्लेनिंग, बिना कोई कंप्लेंट शिकायत किए, शिकायत की बिना किसी शिकायत किए हुए। और रेज, आउटरेज जो है वो बहुत भयंकर होता है, मतलब अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा है अन्याय के खिलाफ। पूछोगे उनको इग्निशिया को, जैसे ना देखो प्रॉब्लम सबके लाइफ में यही प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन जो अडाप्टेशन होता है ना, ये जो रिएक्शन होता है, वो हर रेमेडी का अलग होता है, हर रेमेडी का। मतलब यहाँ पे क्या हुआ है कि हस्बैंड का भाई और उसकी वाइफ इनके साथ रहने के लिए आई, तो उन्होंने भी घर का खर्चे में उतना जिम्मेदारी उठाना चाहिए, उसकी बीवी ने भी घर के कामों में उतना ही सहयोग देना चाहिए है। लेकिन वो उसकी नैतिक जिम्मेदारी है, लेकिन तो नहीं कर रही। ये जो इग्निशिया है ये जॉब नहीं कर रही है, हाउस वाइफ है। और जो उसकी भाभी है जो रहने के लिए आई है, वो जॉब करती है, रात को लेट आती है, 8-9 बजे आती है, तो सीधा खाना खाने पे बैठ जाती टेबल पे। थोड़ा सा तो हेल्प करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये जो होता है ना, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सही है कि गलत है, ये जो होता है ना, ये कॉन्फ्लिक्ट होता है उसका। तो आप पूछो तो आप क्या करते हो, फिर आप क्या करते हो, झगड़ा करते हो, तो इग्निशिया बोलेगी नहीं सर, मैं सास को कुछ नहीं बोलती, ससुर को 2-3 साल तक सर मैंने मुंह नहीं खोला, मैंने मेरी देवरानी को कुछ नहीं बोला। तो किसको बोलती है, अपने हस्बैंड को, अगर वो सुनने लायक है तो, अगर वो डांटने वाला मारने वाला नक्सो में गए वराट्रम है लाइको बड़ी में, अगर इसको डांट रहा है और इसके ऊपर हावी हो रहा है हस्बैंड, तो ये हस्बैंड की डांटे खाएगी, हस्बैंड की मार खाएगी, लेकिन उसको उल्टा जवाब नहीं देगी। जैसे एक अभी हम लोग ये लाइन डिस्कस कर रहे थे, कावर्डेस, हाँ कावर्डेस होके वो सहते जाएगी, जैसे वो लाइन है ना, कौन सा गाने का लाइन, शायद उनका आखिरी हो ये सितम, हर सितम ये सोच कर हम सह गए, मतलब हर बार वो सहते रहती है, हर बार सहते रहती है, लेकिन कब तक वो हम शायद अगले वीडियो में देखेंगे। कुछ ऐसे ही रूब्रिक है जो इसको सपोर्ट करते हैं, ऐसा ही रूब्रिक है कावर्डेस, कायरता, विदाउट करेज टू एक्सप्रेस ओन ओपिनियन, मतलब ये आप गलत कर रहे हैं, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये इग्निशिया बोलती नहीं है, उसको समझता है ये गलत है, मतलब वो ना सामने वाले को सुधारने का मौका देती है, बहुत सारे मौके देती है। और इसमें ये चीज और जुड़ती है, क्योंकि अंदर तो आग चल रही है, तो कंप्लेन किससे करेगी, अगर हस्बैंड ने भी नहीं सुना तो देयर इज अ रूब्रिक कॉल्ड कंप्लेनिंग इन स्लीप, सो रही सोते सोते बुदबुदा रही है, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, सास ऐसा क्यों कर रही, तो दिस इज नॉट अ प्रिस्क्राइबिंग रूब्रिक। लेकिन हमारी दवा को, दवा की जो समझ इससे बढ़ती है कि किसी से कंप्लेन नहीं करती जा करके, आपसे भी किसी की भी कंप्लेन नहीं करेगी आकर के, जब आप बहुत अच्छे से पूछोगे 2-3 बार
तब आपको वो एक हिंट देगी, एक सहायता देगी कि सर हस्बैंड थोड़ा सा बिजी रहते हैं ना, इसलिए उनको टाइम नहीं मिलता मेरी तरफ ध्यान देने का, ज्यादातर बच्चे की बच्चे की बच्चे का भी ध्यान देने का। तो ठीक है, जवाब यही होगा, आपने पूछा ना कि क्या टेंशन हो रहा है बताओ, आपको सेंसिटिव होना पड़ता है। अगर इग्निशिया को आपको बुलवाना है, उसकी प्रॉब्लम आपको समझनी है कि उसको 2-3 साल से ये तकलीफ क्यों हो रही है, शादी हुई 3 साल से और 2 साल से इसको तकलीफ हो रही है, तो घर में कुछ तो माहौल चेंज हो जो उसको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको अगर निकलवाना है उससे तो आपको बहुत सेंसिटिव होना पड़ता है। क्या हुआ बताओ, क्या टेंशन है, तो क्या बताएगी मन वैसे ही थोड़ा सा हंसके सर वही जो घर घर में होता है वही है और क्या सर, और फिर से पूछोगे सर है टेंशन तो है सर, ये क्या बताया सर अभी क्या। तो वो इग्निशिया ऐसी चीज है ना जो घर की बात, ये याद रखो, अंडरलाइन करो इसको, घर की बात घर में रखना चाहती है। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है। आप गांव भर में सब जगह बोलते फिर ये गलत। इग्निशिया को 4-5 साल हस्बैंड या ससुराल में बहुत तकलीफ हो रही है, वो मायके में नहीं बताती, मम्मा को नहीं बताती, फादर को नहीं बताती, ये आप हिस्ट्री पूछो तो बताएगी सर 2 साल सहन किया, माइल्डनेस बियर सफरिंग विदाउट कंप्लेनिंग, 4 साल सहन किया 5 साल, वो डिपेंड करता है कितनी तकलीफें है और घर का माहौल कैसा। और ऐसे करते करते सहते 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 मतलब सहना है, फिर भी सबको संभालना है, अपनी जिम्मेदारियां संभालना है, सब संभालते 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 एक वक्त आता है जब इग्निशिया हार के अपने हाथ डाल देती है और डिसकंसर्टेड हो जाती है। डिसकंसर्टेड को थोड़ा सा ठीक से समझेंगे और इस वीडियो को थैंक यू करेंगे, फिर अगले वीडियो में आगे की साइड देखेंगे अपन। तो डिसकंसर्टेड को समझने के पहले कंसर्ट को समझते हैं। तो कंसर्ट क्या होती है, एक कंसर्ट, कंसर्ट को हिंदी में क्या बोलेंगे, कंसर्ट इज लाइक जो ऑर्केस्ट्रा चल रहा है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट सिंफनी है, एक सुर निकल रहा है, म्यूजिक निकल रहा है, गाना निकल रहा है। तो कंसर्ट इग्निशिया ने बना के रखा हुआ है कि मम्मी ने उसको गाली दिया, मतलब मदर इन लॉ ने गाली दिया तो सुन लिया, हस्बैंड ने बोला अरे ये ऐसा क्यों नहीं करती, उनको भी सुन लिया, बच्चे का भी काम कर रही है, फादर इन लॉ ने कुछ बोल दिया, जाकर के सब्जी भी ले आई, लेट हो गया, फिर भी ये सारी चीजें वो मैनेज कर रही, कंसर्ट बना करके उसने रखा हुआ है। सब लोग गलत कर रहे हैं, सब लोग गलत, सब लोग गलत कर रहे हैं, फिर भी नैतिकता के आधार पर और उस कोवर्डिस के आधार पर कि अपने को नहीं बोलना चाहिए नहीं तो गलत हो जाएगा, ये सही नहीं है, उसने कंसर्ट बना करके रखा हुआ है। मतलब वो जो ना, वो जो उसके उसका जो संसार होता है ना, उसका जो फैमिली है ना, उस सहवादन ना, कंसर्ट मतलब एक साथ म्यूजिक बज रहा है, कहीं एक सुर भी गलत हो गया तो म्यूजिक अच्छा नहीं लगेगा कान को, बेसुरा। इसका बहुत प्रयास होता है कि हर चीज को वो संभाल के लेती है, बहुत सुधारने का वक्त देती है, ताकि बाहर से लोगों को दिखे कि यार ये सब अच्छा चल रहा है, कॉन्सर्ट चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ, लेकिन ये करते 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 सामने वाले सुधरते नहीं है, उसकी ननद सुधरती नहीं है, भैया सुधरते नहीं है, और बेसुरा बेसुरा सुर लगाते जाते हैं। फिर ये एक शब्द है अभी मुझे याद आया, जुगलबंदी। जुगलबंदी तो जब 3-4 म्यूजिशियन साथ में बैठे होते हैं, उसमें एक तबला है, एक पखावज है, एक हारमोनियम पे बैठा हुआ है, चौथा वोकल गा रहा है, ठीक है ना। अब वोकल वाला इग्निशिया है जो कि वो मेन है, और वो तबले वाले को बोल रहा भाई थोड़ा थोड़ा ऐसे इशारे में कि भाई थोड़ा अच्छे से बजा रहे, क्या चल रहा है, उधर पखावज वाले को भी थोड़ा अच्छे से, करते 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 वो बेसुरा, ये बेसुरा, वो बेसुरा, सब सब बेसुरे, सहन करते करते थक जाते, करते करते जब उसके बाद हारने के बाद में शांत हो जाती है, नहीं गाऊंगी, आप जाओ अब मुझे, अब मैंने पार्टिसिपेट नहीं करना, आप करो जो तुम करना, तुम्हारा तबला, तुम तुम्हारा पखवाज बजाते रहो, आप मैं नहीं गाऊंगी, आप देखो जो हो रहा है। बच्चे का केस बता, बहुत ही इंटरेस्टिंग था, क्योंकि ना ये जो इग्निशिया होती है ना, जब ठीक होता है ना तो बेलड प्लेफुल में इग्निशिया है, डिजायर टू प्लेइंग डिजायर टू प्ले में है इग्निशिया, लेकिन इसका खेलना दूसरों को तकलीफ देने वाला नहीं होता है, बहुत हंगामा नहीं होता है, नॉइज इंक्लिनेशन टू मेक नॉइज जैसा नहीं है बेलड होना जैसा, उसमें भी नैतिक जिम्मेदारी रख के, नैतिक जिम्मेदारी रख के खेलना होता है। तो ये बच्चा था, बहुत अच्छे से खेलता था, हंसता था, मजे में रहता था, और उसको 2-3 साल से चाइल्डहुड अस्थमा था, जिसके लिए वो परेशान हो गए थे पेरेंट्स, उसको ट्रीटमेंट कर करके जो ठीक नहीं हो रहा था, और मैंने भी उसको 2 दवाइयां, मुझे सब बच्चा है समझ में नहीं आती चीजें, तो उसको मैंने बेलाडोना और लैकेसिस दिया था, क्योंकि वो खेलता था अच्छे से, खेल कूद के अच्छे से रहता था, और पेरेंट्स भी उससे खुश थे। लेकिन ये इग्निशिया इतना नैतिक जिम्मेदारी वाला होता है कि पेरेंट्स को उसकी शिकायत जनरली होती नहीं है दूसरे लोगों, क्योंकि वो गलती खुद करता नहीं है, करता है। तो जब ये तीसरी बार उसका सफोकेशन इतना ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि मैंने उनको बताया था कि उनकी जो स्प्रे वगैरह जो दवा है अस्थमा की वो लेनी नहीं है,
तो इतनी पूरी तरह से वो आसमान से परेशान हो गया बच्चा। और जब वो थर्ड टाइम मेरे पास आया तो बच्चे को ना बुखार था बहुत, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, और मदर ने उसके ऊपर एक उसका दुपट्टा डाल के उसको लेके आया था। बच्चा है ना, मुंह उसका ऐसा था और ऐसे मम्मा के गोद में ऐसे बैठा हुआ ऐसे लेके, और ये आंख खुली ऐसे, लेकिन ऐसे। तो मैंने पूछा कब से ऐसा है, तो उसने बोला मम्मा ने उसको बताया, मॉम ने बताया कि सर ये दो तीन दिन से ऐसे ये खा नहीं रहा है, पी नहीं रहा है, खेलने से कुछ बोल रहा है, ना हंस रहा है, ना कोई शिकायत कर रहा है, ना कुछ बात कर रहा है, ना कुछ खाने के लिए मांग रहा है, ना कुछ बोल रहा है, बस ऐसे ही बस उसको, और लेने के लिए भी जिद नहीं है, लेकिन माँ को बोल रहा है बस मुझे ऐसे बैठना है, बस ऐसा नहीं क्लिंगिंग नहीं है। अगर माँ को काम करना है किचन का तो वो छोड़ भी रहा है, ये नैतिक जिम्मेदारी होती है। ये जो स्टेट है ना कि उसने बहुत कोशिश की, फाइट किया, 2 साल तक आसमा से वो बच्चा फाइट कर रहा है, और फिर भी जब ठीक लग रहा है खेल रहा है, फिर तकलीफ सहन कर रहा है, लेकिन कभी शिकायत नहीं कर रहा है, शिकायत नहीं कर रहा है। लेकिन अब जब ज्यादा हो गया, जब मैंने उसकी दवाइयां कम करने को बोला, आस्मा की एलोपैथी दवाइयां कम करने को बोला, तो बच्चा अब उसको अब वो कंसर्ट टूटने लगा, अब वो सह नहीं पाया, अब उसको समझ भी नहीं आ रहा है वो कैसे डील करे, तो उसने छोड़ दिया, हार मान ली। मतलब वो चिड़चिड़ नहीं, गुस्सा नहीं कर रहा है बहुत ज्यादा, क्योंकि वो स्टेज चली गई, उसको अभी उसने हार मान ली। अभी वो बोल रहा है जाओ, अभी तुम ठीक नहीं हो रहे ना आस्मा, मुझे आप ठीक नहीं हो रहे ना, अभी जाओ, मैं कुछ तुम दो मुझे जो तकलीफ देना दो, मैं पढ़ा रहूंगा, मुझे कुछ नहीं करना है, शांत पड़ा रहता हूँ बस, सांस नहीं आ पा रही, खा नहीं पा रहा है, बुखार से 103-104 बुखार है, लेकिन कुछ नहीं ऐसे ही। और उसको पूछा ना कुछ भी, अरे बेटा क्या हुआ, क्या हो रहा, खाना नहीं खा रहे हो, कुछ चाहिए, तो ये माँ बाप परेशान हो जाते कि इतना हंसने खेलने वाला, इतना मेरा बच्चा, इतना बढ़िया बच्चा, इतना मेरा ये क्या हो गया, इसको क्या हो गया सर, पिछले 3 दिन से इसके मुंह पे हंसी नहीं है, ये कुछ मांग नहीं रहा, ये खेल नहीं रहा, क्या हो गया सर इसको, ये ऐसे अगर माँ बाप बोल रहे तो आपके दिमाग में डिसकंसर्टेड और इग्निशिया। तो ये जो स्टेट होती है उसके साथ आपको ये क्वालिफाई करना होता है कि ये बच्चा जो होता है, छोटा बच्चा भी हो, कभी चीजें तोड़ फोड़ नहीं देगा, गलत चीज बच्चा हमेशा सही करने की कोशिश करता है। इग्निशिया का बच्चा भी खुद गलती नहीं करता है, अगर इग्निशिया का बच्चा बड़ा है, छोटा बेबी है घर में, तो इग्निशिया बहुत ध्यान रखता है, उसको समझना अपनी नैतिक जिम्मेदारी है, हमें ज्यादा जिद नहीं करनी है, ये सारी चीजें ना उसको समझ में आती है, तो ये सारी चीजें मैच होनी चाहिए उसके साथ जो पेरेंट्स आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो ये बच्चों में डिसकंसिडर्ड इस तरीके से दिखा, बड़े में कैसे दिखेगा? बड़ों में जैसे अभी ये जो कृष्णा ने अभी एग्जांपल दिया कि भैया सास ऐसी बिहेव कर रही, ससुर ऐसे बिहेव कर रहा है, ननंद है वो ननंद गलत बिहेव कर रही, हस्बैंड ध्यान नहीं दे रहा, हस्बैंड अपने काम में पड़ा है, कोई ये नहीं कर रहा, लेकिन ये कोशिश करती है और जब इसकी तरफ ये सबका ध्यान रख रही है, लेकिन जब इसको कोई तकलीफ है, चलो इसको तकलीफ थोड़ी सी ये हल्का बुखार ही आ गया है, लेकिन किसी ने पूछा नहीं, सब लोग बोले अरे मेरा नाश्ता कहां पर है, टिफिन नहीं बनाया, किसी को मेरी नहीं पड़ी, तब जाके इग्निशिया बांध लेगी पट्टी और पड़ी रहेगी, बाम लगा देगी, पड़ी रहेगी, क्लिनिक में भी ऐसे आएगी, क्या हो गया आपको? अक्सर जो एक क्लिनिकल से है, द से ऑफ अ पेशेंट, जब इग्निशिया का पेशेंट आती है, आप उसको सेंसिटिव मुद्दे पर पूछने की कोशिश करोगे कि उन्होंने ऐसा किया तो आपने क्या किया, रिएक्शन पेशेंट का जानना बहुत जरूरी है। सर मैंने क्या किया, छोड़ दिया, क्या कर सकते, वो जितना भी करते हैं मैं करने देते हूँ, बोलने दो उनको, करो क्या कर? छोड़ दिया, ये छोड़ना जो है ना, ये तरीका देखो, इसमें थोड़ा सा हल्का गुस्सा है, थोड़ी सा चिढ़ है, और हार गए, कर दो, क्या कर, हारने से ज्यादा एक छोड़ देना है, छोड़। अभी भी मैं कर सकती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कर सकती, लेकिन इतने दिनों तक अगर आपने मेरा जितने भी प्रयास थे कंसर्ट को बनाने के सब बेकार साबित हुए, तो ठीक है मैं भी छोड़ देती हूँ। तो आप हस्बैंड को पूछोगे तो हस्बैंड बताएंगे कि सर नहीं, पहले तो चिड़चिड़ करती थी सर, लेकिन आजकल तो कुछ बोलती नहीं है, बस शाम को मैं आता हूँ ना तो पट्टी बांधे हुए वहां पे बेड पे एक साइड में बैठी हुई रहती है, तो आप पूछोगे पहले तो चिड़चिड़ करती, किसके साथ चिड़चिड़ करती, सर मेरे पे, वो कभी नहीं, नहीं सर मेरे मॉम डैड को तो कभी नहीं बोलेगी वो, ना ही मेरे भैया को बोलेगी, किसी को नहीं, कुछ भी होता था तो मुझे बोलती थी, मुझ पे चिड़चिड़ करती, मैं उसको समझाता था, लेकिन अभी सर कुछ दिनों से तो वो भी नहीं हो रहा है, बस ऐसे पड़ी रहती है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बहुत ऐसी औरतें आपको इंडिया में मिलनी
बहुत सारी आपके आगे भी आ चुके हैं, आपने ऐसे पेशेंट भी मोरालिटी है सबसे ज्यादा यहाँ पे है। अभी सिर्फ दो तीन लाइनों में ये चीज फिर से मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि इसी इन्हीं सारे एनवायरमेंट में, इसी तरीके के इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में नेचुरल म्यूर और सीपीआई का क्या रिस्पॉन्स होगा? बिल्कुल अलग होगा। और जब वो रेमेडी आएगी तब उसको डिटेल में लेंगे, बिल्कुल डिटेल में लेंगे। अभी जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वो कंसर्ट को बनाने की कोशिश कर रही है सीपीआई, भी आपको ऐसा लगेगा कि पूरे घर के काम इधर उधर कर रही है, लेकिन इग्नेशिया सेंसिटिव टू मोरल्स में है, लेकिन सीपीआई स्लैंडर में है। वो झूठ बोलेगी हस्बैंड के बारे में, सास के बारे में, जो भी नेट्रम्योर रिवेंजफुल है, हेट्रेड एंड रिवेंजफुल है, सीपीआई गलतियां बताएगी। तो छोटी छोटी चीजें हैं जिससे हम खटाक से तुरंत इग्नेशिया नेट्रम्योर सीपीआई को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आपको इस रेमेडी की सबसे जैसे शुरुआत में बताया दर्द क्या है, तो इसका दर्द है इग्नेशिया का सही गलत, सही गलत की जो उसकी डिग्निटी होती है ना, सही गलत को मेंटेन करना इसकी डिग्निटी होती है, उसमें गलतियां नहीं होनी चाहिए। सेपिया अलग है, सेपिया को सही गलत से कुछ नहीं है, तकरार नहीं होती उसको, घर के कामों से तकरार।